हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअस। आज हम इस वीडियो लेसन में कंप्यूटर अवेयरनेस से रिलेटेड 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये 10 क्वेश्चन आपके अपकमिंग जो बैंक एग्जाम्स हैं, वो भले ही एसबीआई पीओ हो, एसबीआई क्लर्क हो, या आने वाले जो आपकी आईबीपीएस से रिलेटेड हो, या आईडीबीआई, जिसकी भी हो, सिडबी, जो भी बैंकिंग सेक्टर के बैंक्स की जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उन सभी में हेल्पफुल रहेंगी। तो पूरे सेशन में थोड़ा अलर्ट रहिए, ध्यान से सुनिए। सॉरी। और ये जो 10 क्वेश्चन है, इसमें अंदर 10 क्वेश्चंस के अंदर और दूसरे क्वेश्चंस भी छिपे हुए हैं, तो इसका जो नीचे डिटेल दिया हुआ है वो भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप अपने स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बिट्स आर पैकेज्ड इनटू फ्रेम्स एट विच लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। ओएसआई क्या होता है? ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शंस, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस मॉडल के कौन सी लेयर में। तो बिट्स आर पैकेज इनटू फ्रेम्स, फ्रेम्स में जब, एट विच लेयर, तो ये है आपका डाटा लिंक। ए ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। बिट्स आर पीडीयू ऑफ लेयर वन एंड फ्रेम्स आर पीडीयू ऑफ लेयर टू डाटा लिंक लेयर। पीडीयू क्या होता है? पीडीयू आपका होता है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। तो इनको भी साथ साथ थोड़ा सा आप देख लो, ताकि ये कई बार पीडीयू स्टैंड फॉर विच इन कंप्यूटर, तो ये है प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। नेक्स्ट देखिए क्या है। द लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल फ्रॉम द टॉप डाउन, टॉप से लेके डाउन तक जो इनकी लेयर्स हैं ओएसआई मॉडल की, वो किस तरीके से है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए ही राइट है। टॉप में आपके एप्लीकेशन है, जेन प्रेजेंटेशन है, जेन सेशन है, जेन ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल। जैसे अभी अपन ने ऊपर लेयर टू में देखा था डाटा लिंक, लास्ट में फिजिकल। तो टॉप टू डाउन, तो टॉप में एप्लीकेशन और डाउन मोस्ट है फिजिकल। इसमें भी इन्होंने दिया एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। इनको थोड़ा सा देख लीजिए, कई बार इनमें से किसी और के लिए भी पूछ सकते हैं, एट लेयर फोर कौन है, फाइव कौन है, तो थोड़ा सा सीक्वेंस को याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिंग विंडोज लोगो की प्लस ई विल ओपन विच द फॉलोइंग। आई थिंक ये आप लोग करते रहते हैं तो आइडिया होगा इसका। माई कंप्यूटर ही खुलता है जब आप की प्लस ई दबाते हैं, तो क्या होता है? माई कंप्यूटर। प्रेसिंग विंडो लोगो की प्लस ई विल ओपन माई कंप्यूटर। टू डिलीट द सिलेक्टेड आइटम परमानेंटली प्रेस, जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनको परमानेंटली डिलीट करने के लिए क्या प्रेस करेंगे? तो इसके लिए करेंगे शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट दबा के और डिलीट दबा देंगे तो परमानेंटली वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमांड्स एट द टॉप ऑफ ए स्क्रीन सच एज फाइल एडिट, फॉर्मेट एंड टूल्स टू ऑपरेट एंड चेंज थिंग्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन। तो टॉप ऑफ स्क्रीन क्या नजर आती है, किसमें आती है? मेनू बार में होते हैं। सही ऑप्शन इज योर राइट। दोस कमांड्स ऑप्शन आर अवेलेबल इन मेनू बार। मेनू बार जो आपके ऊपर नजर आती है उसमें आपके ये फाइल एडिट, फॉर्मेट, टूल्स, ये सब नजर आते हैं मेनू बार। नेक्स्ट है, द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग ऑफ एग्जीक्यूटिंग टू और मोर प्रोग्राम्स बाई मल्टीपल प्रोसेसर इज, एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्रामों की प्रोसेसिंग करना, तो ये किसके है? ऑप्शन डी इज योर राइट ऑप्शन। जैसा इसका नाम है वैसे ही है, मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग इज द केपेबिलिटी ऑफ ए कंप्यूटर टू मल्टी टास्क और एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम और प्रोसेस एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। तो मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग नहीं है, मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं है, ये है मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट देखिए क्या, हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट विच बटन, तो ये स्टार्ट बटन पे होता है। हेल्प मेनू इज अवेलेबल एट स्टार्ट बटन। नेक्स्ट, द फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव स्टार्टेड बट आर नॉट येट रेडी टू सेंड। तो ये क्या होते हैं? ड्राफ्ट्स। द ड्राफ्ट फोल्डर रिटेन्स कॉपीज ऑफ मैसेजेस दैट यू हैव द स्टार्टेड बट आर नॉट येट टू रेडी टू सेंड। अभी जिनको आप जो अंडर प्रोसेस हैं, जो सेंड के लिए
रेडी नहीं है तो वो क्या है, ड्राफ्ट मैसेजेस। आई थिंक इसका आइडिया होगा आपको। ड्राफ्ट डॉक्यूमेंट इज ए टाइप ऑफ टेक्निकल रिपोर्ट दैट इज ए वर्क इन प्रोग्रेस, ए प्रिलिमिनरी फॉर्म ऑफ पॉसिबल फ्यूचर डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट देखिए, द रिकॉर्ड्स द नेम एंड एक्सट्रैक्ट लोकेशन ऑफ एवरी फाइल ऑन ए डिस्क। तो ये क्या होगा, फाइल अलोकेशन टेबल। द फाइल अलोकेशन टेबल FAT is a file system developed for hard drives. It is used by the operating system to manage files on hard drives and other computer systems. Next and last dekhiyega, what should be used if a company wants to include its company name and logo at the bottom of every page at a browser. Agar koi bhi company chahe ki uske bottom mein uske company ka logo aaye to kya क्या यूज करेगा, वो करेगा फुटर। और अगर टॉप पे आए तो वो करेगा हेडर। ये भी क्वेश्चन इसमें बनता है, हेडर्स एंड फुटर्स आर पीसेज ऑफ टेक्स्ट और ग्राफिक्स दैट अपीयर एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पेज। इफ कंपनी वांट्स टू इंक्लूड इट्स कंपनी नेम एंड लोगो एट द बॉटम ऑफ एवरी पेज ए ब्राउजर, देन इट विल यूज द फुटर। और अगर उसको टॉप पे चाहिए तो वो हेडर को यूज करेगा, हेडर्स और फुटर्स। तो ये था आज का वीडियो सेशन। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। किसी और टॉपिक पे आपको चाहिए तो वो भी आप प्लीज आप बताइएगा, वो भी आपको देंगे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।